बंगाल चुनाव के नतीजे 2 मई को आने वाले हैं, लेकिन नतीजे से पहले ही ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार ली है। ममता दीदी के हाव भाव और उनके बयानों पर गौर करें तो ये साफ प्रतीत होता है कि ममता दीदी ने ये मान लिया है कि बंग की जंग में टीएमसी मुकाबले से बाहर हो चुकी है। आज हम आपको 4 सबूत के आधार पर बताने जा रहे हैं कि क्यों बंगाल में ममता बनर्जी की हार तय है। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर समर्थन मांगा है। उन्होंने पत्र में बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। ममता बनर्जी की इस चिट्ठी से साफ है कि बीजेपी बंगाल में टीएमसी पर भारी पड़ रही है। हिंदुओं से नफरत करने वाली ममता बनर्जी का इस चुनाव में एक अलग चेहरा देखने को मिल रहा है। चुनावी रैलियों में चंडी पाठ करने और मंदिर जाने से भी जब उन्हें फायदा मिलता नजर नहीं आया तो अब वे अपना गोत्र बता रही हैं। लेकिन उनके ढोंग को हिंदू अच्छी तरह जान चुके हैं और इस बात का एहसास ममता दीदी को भी हो चुका है। पुरोहित महोदय, मां तुम्हार गोत्रटा की आमी बोले फेलेछिलाम मामाटी मानुष गोत्र। आज के तिनी जखन आमाय जिज्ञेस करलेन आमी बोललाम देखुन आमार तो एकटा पार्सनल गोत्र आछे सेटा सांडिल्लो, किन्तु आमी मने करि आमार गोत्र मामाटी मानुष गोत्र। पीएम मोदी और बीजेपी के बाकी नेताओं की तुलना में ममता बनर्जी अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने में नाकाम साबित हो रही हैं। नतीजा उनके बयानों और हाव भाव में हार का खौफ दिखाई दे रहा है। हालात ये है कि वो मंच से वोटर्स को धमकी दे रही हैं। आप खुद सुनिए। তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর তারপর মমতা বনার্জি পর হার কা ডর ইস কদর হাবি হো চুকা হ্যায় কি ও আব হিংসক বাতে করনে সে ভি বাজ নহীঁ আ রহি হ্যায়। এক র্যালি মে তো উনহোনে আপনে সমর্থকো কো পোলিং বুথ পর তৈনাত সুরক্ষা কর্মিও পর হামলা করনে কা निर्देश दे दिया। जरा देश चुरो बोले अपनारा थुड़ियो पड़ेन अपनारा खुंचियो धरेन बोले सब महिला एकसाथे बेले खाता खुंची निये बेरी पड़बे। इन 4 सबूतों से ये साफ हो जाता है कि इस बार ममता बनर्जी पीएम मोदी और बीजेपी के आगे नतमस्तक हो चुकी हैं। अब बस 2 मई को औपचारिक नतीजे का इंतजार है।